भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पुराने हो गया है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए, ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर दो प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है, शायद मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आदरणीय भाई साहब, आपके आने से ये तो परिवार अपना है ही, आपका स्नेह हम सब लोगों को पहले भी मिलता रहा है, क्योंकि आपकी भूमिका भी इस प्रकार की रही है, इसलिए मैं तहे दिल से स्वागत करता ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है, उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज श्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी हमारे धार जिले के सांसद रहे, जनजाति क्षेत्र के बड़े नेता हैं, आज उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे इंदौर के संजय शुक्ला जी पूर्व विधायक, आज उनका भी बहुत भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत है। संजय जी, इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज आदरणीय सुरेश जी भाई साहब के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्वागत है। श्री विशाल पटेल जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आलोक जनसौर अर्जुन पलिया जी एक समय हमारे नर्मदापुर जिले के, वहां के भी बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आलोक जनसौरिया जी, आलोक सत्योरिया जी नेता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, और जबलपुर के अंदर मैं छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, तो मुझे छात्र राजनीति में उस समय भी आलोक जी का बड़ा स्नेह भी मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े 1998 के अंदर। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी कांग्रेस के मध्य भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। श्री सतपाल पलिया जी अपने नर्मदापुर सुहागपुर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वहां रहे हैं। श्री योगेश शर्मा चुन्नू भैया जिनको कहते हैं, छात्र राजनीति के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं, और छात्र राजनीति में उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो योगेश भाई का भी बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा जी एमपी के एनएसवाई के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। दिनेश ढिमोले जी जनपद मेंबर है गाडरबारा के, उनका भी स्वागत है। श्री सुभाष यादव जी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस दौलतगंज उज्जैन में, उनका भी बहुत स्वागत है। आदित्य पलिया जी, बने सिंह जामराज जी और राजेश अगाल जी, सबका आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं,
और नरोत्तम मिश्रा जी इस काम में जुटे हैं पहले दिन से, क्योंकि तो अपने ज्वाइनिंग के वो इंचार्ज हैं, संजय पाठक जी हमारे को इंचार्ज हैं। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़ी संख्या में और बड़ी शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत।